सैयद अजीम अली नाम वाले आगापुरा में रहते हैं, उन्हें ये कंप्लेंट दिया था। वो सैयद अजीम अली को सऊदी अरेबिया भेजती, बल्कि एक कंसल्टेंसी वाले उसे पैसे लेके और उसका पासपोर्ट लेके कई महीनों से घुमा रहे, मगर काम नहीं हुआ। उन्हें अगर फ़ोन करके पासपोर्ट वापस देने के लिए, पैसे वापस देने के लिए पूछे तो उसको डरा रहे। ये कंप्लेंट से एक केस रिज हुआ था। इसके सिलसिला में एक दो आदमी को आज गिरफ्तार करे थे, उसमें एक आदमी का नाम तौसीफ मोहम्मद तौसीफ और एक आदमी का नाम सैयद जावेद है। ये दोनों को आज सुबह अरेस्ट करके अभी रिमांड कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी में ये पता चला था, ऐसे अजीम अली के नाम वाले को कई आदमियों को अभी तक रिपोर्ट मिले हैं, 20-30 मेंबर्स तक, उन लोगों से पैसे ले लेके ना बाहर नहीं भी जाए और पासपोर्ट वापस भी नहीं दे रहे, बोल के मालूम हुआ था। ये कंसल्टेंसी चलाने का कुछ लीगल लाइसेंस ही नहीं है इन लोगों को। इसके सिलसिला में इन लोगों के ऊपर चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन और इमिग्रेशन एक्ट के इनके ऊपर केस रख के आज रिमांड को भेज दे रहे। कितने पासपोर्ट अभी इसके साथ एग्जामिनेशन में इसके पास 5 पासपोर्ट्स और इनका सेलफोन भी आसिस करे थे। ऐसी सेलफोन एग्जामिनेशन करने में कई विक्टिम्स है बल के समझ में आ रहे, अभी इंक्वायरी में पता चलेगा। कुछ एडवर्टाइज डालते थे साहब थ्रू पब्लिक कॉन्टैक्ट से, माउथ टू माउथ, एक आदमी से अगर इमीडिएटर्स रख के मैं भी जाता हूँ बोल के ले लेके इन लोग वैसे डुबाते। अभी इंक्वायरी चल रहे, एग्जैक्टली पता चलना है क्या नाम, अभी कंसल्टेंट्स का नाम ही है, ऐसी भिजाते बोल के डुबा रहे। वही सऊदी, दुबई और अदर कंट्रीज को भेजते बोल के यहाँ से ले रहे।